सभी डीएलएड साथियों को मेरा नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट इंग्लिश। और इंग्लिश का हम ग्रामर स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें हमने पार्ट फोर ग्रामर के जितने भी फोर टाइप्स थे हमने डिस्कस किए हैं। आज का जो हमारा पार्ट फाइव है वो है, आप कह सकते हो कि वॉइस यानी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। इस टॉपिक पे आज बहुत ही अच्छे ढंग से हम चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में इस टॉपिक से हर बारी प्रश्न पूछा जाता है। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को देखने के बाद अगर कोई भी सेंटेंस एक्टिव में दिया हो या फिर पैसिव में दिया है, या आप कह सकते हो क्योंकि बहुत सारे रूल नियम होते हैं जो कि आप सभी को याद करने होते हैं, लेकिन फ्रेंड्स मैं 100% कह रही हूँ ना, आज के बाद आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस इसको आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकेंगे, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए सबसे पहले तो, और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जुड़ सके और जो अपनी जो तैयारी है बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सके। और देखिए फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं हम अपने वॉइस यानी जो भी हम आज का जो हमारा टॉपिक है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस इस टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हुए। सबसे पहले आप सभी को पता है एक्टिव कौन कौन से वाक्य होते हैं, जैसे कि जितने भी आपके टेंसेस होते हैं ना, जो भी वाक्य होते हैं जिसमें सब्जेक्ट होते हैं, मेन वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, अदर वर्ड्स, ये सभी क्या है, एक्टिव वॉइस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ यहाँ पे कि आपका एक सेंटेंस है, ठीक है, जैसे हमने बोला कि ही वॉज राइटिंग, ठीक है, राइटिंग अ लेटर, तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि ये क्या एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। अब बहुत ही आसानी के साथ बताएंगे कि ये क्या है, एक ये जो है ही वॉज राइटिंग अ लेटर, ये किस टेंस का है, हमने कल टेंस पढ़ा था, और आप बहुत ही आसानी से बता सकते हो। वाज और वर किस में लगता है, तो पास्ट में लगता है, ठीक है। राइटिंग यानी आई एन जी जुड़ा है, तो सिंपल पास्ट कंटिन्यूस का ये टेंस है, यानी ही वॉज राइटिंग अ लेटर ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। और जितने भी टेंस में जितने भी सेंटेंस होते हैं वही एक्टिव वॉइस होते हैं, और उसी को हम क्या करते हैं, पैसिव वॉइस। अब फ्रेंड्स देखिए, बहुत सारे एग्जाम्पल के थ्रू, और फ्रेंड्स मैं आप सभी को चार्ट यानी जो भी नियम्स होते हैं वो आपको पता होना चाहिए ताकि बाद में दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो एक्टिव और पैसिव वॉइस हैं वो किस किस तरीके से चेंज होते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो टेंस, आज का जो हमारा टॉपिक है, यानी अगर कोई सेंटेंस यानी जो टेंस पर आधारित होता है, मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, इसके आधार पर हो, तो आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स देखिए, मॉडल वर्ब्स भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि कैन हो गया, तो आप उसको किस तरीके से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हो। अगर लेट किसी सेंटेंस में, जैसे लेट हो जाता है, तो उसको किस तरीके से चेंज कर सकते हो। अगर इम्परेटिव सेंटेंस कोई आ जाता है तो उसको किस तरीके से चेंज कर सकते हो। इन्फिनिटिव टेंस आ जाता है, तो ये हम बारी बारी डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो टेंस से पूछा जाता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा टेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को अगर बताऊं, हिंदी में सबसे पहले बताऊंगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं यहाँ पे हिंदी में कि एक सेंटेंस लिखते हैं, जैसे कि राधा पत्र लिख रही है, तो ये क्या है, आपका टेंस है, सिंपल टेंस है, आप इसको बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हो। इंग्लिश में क्या, राधा पत्र लिख रही है, तो आप लिखेंगे कि ये कौन सा टेंस है, तो आप देखेंगे रही है, यानी ये प्रेजेंट है, क्योंकि लास्ट में है, तो यहाँ पे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे राधा, क्योंकि एक वचन है, तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, इज एम आर होता है, एक वचन है, तो एक वचन के लिए इज लगता है, तो राधा इज लिख रही है, यानी लिखना का क्या होता है, राइट, लेकिन आई एन जी इसमें जुड़ जाता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, राइटिंग और लेटर। अब देखिए फ्रेंड्स, ये क्या है,
राधा पत्र लिख रही है, या इंग्लिश में कह सकते हो राधा इज राइटिंग अ लेटर। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको हम पैसिव वॉइस में पहले हिंदी बता देते हैं। जैसे कि अगर आपको हिंदी में अगर इसको आप बोलते हो कि एक पत्र लिखा जा रहा है राधा के द्वारा, एक पत्र लिखा जा रहा है या एक पत्र लिखा जा रहा है राधा के द्वारा, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि जो सेंस है हमारा, हम इसमें भी वही सेंटेंस कह रहे हैं और इसमें भी यही सेंटेंस। तो यहाँ पर अगर आप इंग्लिश में बनाते हो तो क्या होगा यहाँ पे, और देखिए फ्रेंड्स कभी भी कंटिन्यूअस कट कोई भी टेंस ing लगता है तो अगर आपको पहचान में बता देती हूँ उसमें बिंग जरूर लगा रहेगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। यहाँ पे राधा इज राइटिंग अ लेटर, तो यहाँ पे आप भी बना सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ऑब्जेक्ट देखिए, मैं अभी एग्जांपल के अभी हम स्ट्रक्चर जो भी नियम है सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन जब आप एक से दो एग्जांपल जान लेंगे, जब इसके बारे में जानने के लिए प्रेरित होंगे, ठीक है, तो भी और बहुत ही अच्छा रहता है। तो सबसे पहले रहेगा अ लेटर, ठीक है, अ लेटर, क्योंकि एक लेटर है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इज, और उसके बाद देखिए बिंग लग जाता है, ये ध्यान देने वाली बात है, इसमें हम बिंग लगा देते हैं। और हमेशा अगर आप पैसिव वॉइस बनाते हो तो हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, यानी यहाँ पे राइटिंग है तो हो जाएगा रिटेन, रिटेन बाई राधा। इस तरीके से अ लेटर इज अ बिंग रिटेन बाई राधा, यानी राधा के द्वारा, या आप कह सकते हो एक पत्र लिखा जा रहा है या एक पत्र राधा के द्वारा लिखा जा रहा है। तो इस तरीके से हमने सिंपल सेंटेंस को पैसिव वॉइस यानी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया। अगर यही होता यहाँ पे दूसरा, यानी पास्ट कंटिन्यूअस होता है कि राधा वॉज राइटिंग अ लेटर, यानी राधा पत्र लिख रही थी, तब आप यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे सिंपल हम लिख देंगे कि राधा वॉज बिंग रिटेन बाई, यानी अ लेटर, अ लेटर वॉज बिंग रिटन बाई राधा। सिंपल कुछ नहीं करना होता है, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देना है। और किसी भी टेंस को अगर आपको प्रेजेंट का कोई भी टेंस याद हो जाता है तो सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको उसमें भी जो भी हेल्पिंग वर्ब लगता है सेम वही चेंज कर देना है, और जो कुछ भी रहेगा सेम वैसे ही रहेगा। तो अभी तो हमने कुछ उदाहरण देखे, ठीक है, अब चलिए कुछ सेंटेंस जो है जिसका आंसर आप सभी को करना है, देखते हैं आप इसको बता पाते हो या नहीं, क्योंकि पहले हम उदाहरण की तरफ चलेंगे। सबसे पहला जो है आपका कि राकेश इज राइटिंग अ लेटर, और जितने भी है आप बता सकते हो किस टेंस के है। यहाँ पर आप देखेंगे राकेश इज राइटिंग अ लेटर, तो ये क्या है एक्टिव वॉइस में है। इसको अगर हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले तो हमारा अ लेटर सबसे पहले आएगा, अ लेटर इज, उसके बाद क्या होगा बिंग रिटन बाई राकेश, क्योंकि क्या होता है बॉब का हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है। उसके बाद देखिए दूसरा है यहाँ पे, जैसे कि मैं आप सभी को ये भी बताऊंगी कि अगर दे इधर जाएगा तो किस तरीके से चेंज होता है, वो आप चार्ट के थ्रू याद कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो दे आर रीडिंग बुक्स, यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे दे क्या है सब्जेक्ट है, आर क्या है हेल्पिंग वर्ब है, रीडिंग क्या है एक क्रिया है, लेकिन बुक्स ये क्या है हमारा एक ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले तो हम बुक्स रखेंगे, बुक्स क्योंकि यहाँ पे बुक्स क्या है बहुवचन है, यानी एक बुक नहीं है, तो बुक्स आर बिंग रीड, क्योंकि रीड का रीड ही होता है तीसरा फॉर्म, तो रीड बाई दे का देखिए देम हो जाता है बाई देम। तो तीसरा आप बता सकते हो एवरीवन इज हेल्पिंग मी, यहाँ पर क्या होगा जैसे कि ये आपका सेंटेंस है कि एवरीवन इज हेल्पिंग मी, तो सबसे पहले तो आपको पता है कि यहाँ पे मी है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, क्लियर, आई, और आई के साथ क्या लगता है हमेशा एम लगता है, उसके बाद क्योंकि हेल्पिंग है तो आई एम बिंग लग जाएगा, ठीक है, आई एम बिंग हेल्पिंग है तो तीसरा उसका फॉर्म लगेगा तो हेल्प्ड होगा, क्लियर, बाई एवरीवन, इसमें एवरीवन का कुछ भी चेंज नहीं होता है, इसमें सिंपल हम लिख सकते हैं बाई एवरीवन। उसके बाद देखिए राकेश इज नॉट राइटिंग अ लेटर, अगर नेगेटिव में है तो इसको भी सिंपल कुछ भी नहीं करना है, हम इज नॉट लगा देंगे, ठीक है, और लेटर इज नॉट बिंग रिटन बाई राकेश, क्लियर। उसके बाद देखिए फिफ्थ है आर दे ईटिंग एप्पल्स,
आर दे ईटिंग एप्पल्स? तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आर दे, क्योंकि ये क्या है, इंट्रोगेटिव में है, तो सबसे पहले हम भी लिखेंगे आर एप्पल्स, ठीक है। उसके बाद क्योंकि हमारा बिंग जुड़ेगा, आर एप्पल्स बिंग, उसके बाद यहाँ पे ईटिंग है, क्या हो जाएगा, ईटन बाई, दे का क्या हो जाता है, देम। तो देख सकते हो बहुत ही इजीली तरीके से, अभी आप बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो फ्रेंड्स बना ले रहे हैं बहुत ही अच्छी बात है, और जो प्रशिक्षु नहीं बना पा रहे वो भी बिल्कुल चिंता ना करें, आप भी कुछ मिनट के बाद आप भी बहुत ही अच्छे तरीके से बनाने लगेंगे, ठीक है। देखिए ये भी आपका इंट्रोगेटिव में है, व्हाई इज ससी नॉट कुकिंग फूड टूडे, यानी यहाँ पे क्या करना है, ये भी इंट्रोगेटिव में है। सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, वाई तो लिखेंगे ही, ठीक है, वाई लिखेंगे, उसके बाद हमारा जो होगा इज होगा, ठीक, उसके बाद जो होगा फूड, क्योंकि नॉट है तो फूड के बाद नॉट, उसके बाद देखिए यहाँ पे कुक्ड हो जाएगा, ठीक है, नॉट बिंग कुक्ड, और उसके बाद बाई ससी टूडे, क्योंकि लास्ट में टूडे है तो उसमें भी अगर हम पैसिव में चेंज करेंगे तो उसमें भी लास्ट में ही टूडे होगा। तो ये ध्यान देने वाली बात है। तो अभी तो हमने एग्जांपल के थ्रू देखा, अब चलिए फ्रेंड्स अब हम आप सभी को नियम किस तरीके से क्या पूरा याद रखना है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कि अगर सब्जेक्ट में है और ऑब्जेक्ट में आता है, जैसे कि मी है, जैसे अभी हमने देखा मी इधर था, उसको हमने पैसिव में चेंज किया तो आई, तो इस तरीके से अगर आई सब्जेक्ट में है और बाद में बाई आता है तो मी लग जाता है, अगर वी होता है तो बाई के बाद पैसिव में क्या आता है, अस आ जाता है, अगर यू है तो यू का नो चेंज, यहाँ पे यू हो जाता है, जैसे हमने पॉजिटिव केस पढ़ा था सेम यही है, दे का देम हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, इट का इट हो जाता है, और हु का होम हो जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सो चलिए अब हम अपने टॉपिक की तरफ, यानी जो चार्ट है इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। और देखिए फ्रेंड्स अगर आपको शो नहीं हो रहा है तो आप इसको 240 पी पे करके देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैं इसको बोल दूँगी, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को पता है टेंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आप सभी को पता है टेंस की संख्या 12 होती है, जिसमें आपका प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उसके भी चार टेंस होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पैसिव वॉइस नहीं बनता है, लेकिन मैंने फिर भी चार्ट्स बना दिए हैं ताकि कभी कभार हो सके कि उस टेंस में पूछ दे, पूछता नहीं है, ठीक है, इतना तो मैं कंफर्म कह रही हूँ कि पूछता नहीं है उस टॉपिक से, यानी जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ, या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ, या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ, उस टॉपिक से पूछता ही नहीं है। लेकिन फिर भी हमने चार्ट के थ्रू आप सभी को यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो चलिए अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के तीनों ही रूप के बारे में अगर पता चल जाता है, जो भी नियम है, तो पास्ट हुआ, फ्यूचर हुआ, उसको भी बहुत ही कुछ भी चेंज नहीं करना है, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है, और बॉब का हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लगता है और कुछ भी नहीं, और किसी भी टेंस का, वो चाहे प्रेजेंट हुआ या पास्ट हुआ या फ्यूचर हुआ, अगर वो कंटिन्यूअस का है तो उसमें हमेशा बिंग लगता है। यही एक पहचान मतलब आप कर सकते हो उसके द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले तो हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो पहचान होती है कि जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते हैं रहता है, ठीक है, और इसमें डज और डू लगता है, यानी अगर सिंपल सेंटेंस रहता है तो उसमें हम एस या ईएस जोड़ देते हैं, अगर नॉट और यानी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वर्ड्स ऐसे सेंटेंस आते हैं उसमें हम डज और डू नॉट का यूज़ करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स अगर आप पैसिव वर्ड्स में चेंज करते हो तो हम इज और एम का यूज़ करते हैं, ठीक है, अब भी उदाहरण के थ्रू हम समझेंगे, अगर आप कहते हैं तो मैं अभी आपको उदाहरण के थ्रू भी समझा दूंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए कुछ एक उदाहरण ले लेते हैं ताकि आप सभी को बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है, क्योंकि अगर हम सूत्र के साथ डिस्कस करेंगे, जो भी नियम है रूल के साथ, तो इसके थ्रू आप बहुत ही मतलब आसानी के साथ समझ सकेंगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस सेंटेंस लेते हैं जो कि आपका है, और देखिए सेम वही रूल नियम फॉलो करना है, कुछ भी अलग नहीं, ठीक है। आप सभी को पता है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई भी सेंटेंस हो तो उसको हम सिंपल कुछ नहीं करना है, अगर एक वचन का है तो इज, बहुवचन का है तो आर, अगर आई आता है तो हम एम लगाएंगे। तो जैसे कि हमने बोला कि आई डू नॉट लाइक हिम,
ठीक है, तो अभी हमने देखा कि हिम अगर हो तो किस में हम चेंज करते हैं, एक मिनट यहाँ लिखते हैं, ठीक है। मैं बोल भी दे रही हूँ, इसके थ्रू आप सुन भी सकते हो। जो आपका सेंटेंस है आई डोंट यानी आई डू नॉट लाइक हिम, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। जब आप सभी को पता है कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू और डज रहता है, तो हम अगर पैसिव वॉइस में हमें बनाना है तो सबसे पहले स्ट्रक्चर आप सभी को पता है, सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद से क्या होता है, यानी ऑब्जेक्ट आप कह सकते हो, सब्जेक्ट उसको भी कह सकते हो, यानी हिम है तो इधर हम लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, अब यहाँ पर हमारा नियम रहेगा ही एक वचन है, बहुवचन है या फिर कोई कुछ और है, तो ही क्या है, वह यानी एक है। तो हमें पता है कि जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट रहता है, डज और डू रहता है, तो हम इज एम आर लगा देते हैं। यहाँ पे ही है तो हम लगाएंगे इज, नॉट है तो हम नॉट लिख देंगे, कुछ भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। लाइक है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ही इज नॉट लाइक है, क्योंकि तीसरा हमेशा कोई भी पैसिव वॉइस कोई भी टेंस हो हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा लाइक्ड, ठीक है, लाइक्ड बाई मी, क्योंकि आई है इधर आएगा तो मी हो जाएगा। सो ये आपको बहुत ही आसानी के साथ क्लियर हो गया होगा। चलिए कुछ एक और सेंटेंस लिखते ले लेते हैं, इसका आंसर आप सभी भी कर सकते हो। जैसे कि एक एग्जांपल है दे, ठीक है, दे रीड बुक्स। तो फ्रेंड्स दे रीड बुक्स की अगर हम बात करें तो सिंपल बहुत ईजिली तरीके से आप बना सकते हो। आप सभी को पता है यहाँ पे क्या है, दे मतलब वे, रीड मतलब पढ़ना, बुक्स मतलब किताब, यानी वे किताब पढ़ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो सबसे पहले तो हमारा बुक्स क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो हम लिखेंगे बुक्स, बुक्स ये क्या है, बुक्स क्या है, एक है कि दो है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे बुक्स हैं, तो बुक्स आर, ठीक है, बुक्स आर, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रीड बाई, रीड दे का क्या हो जाता है, देम, तो हमारा हो जाएगा बुक्स आर रीड बाई देम। क्लियर, आई होप कि आप बहुत ही आसानी के साथ बना सकेंगे। चलिए ये आपका नियम पूरा क्लियर हो गया होगा। चलिए एक इंट्रोगेटिव का भी ले लेते हैं, कहेंगे कि आप इंट्रोगेटिव का नहीं लिए आपने, तो देखिए यहाँ पे हम सेंटेंस लेते हैं कि डू यू लव हर, ठीक है, क्योंकि जब भी सेंटेंस आए तो मतलब इंट्रोगेटिव का पहला वाक्य आए तो डू यू लव हर, ठीक है। तो हमें पता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, उसमें क्या लगता है, डू है, तो उसमें क्या लग जाएगा, क्योंकि सबसे पहले तो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो हर, हर का क्या होता है, हर का होता है सी, क्योंकि एक तो हिम का होता है ही और हर का होता है सी, यानी ये क्या है, सी हो जाएगा, यानी ये फीमेल है, तो सी, सी क्या यहाँ पे ये एक वचन है या बहुवचन है, तो आप यहाँ देखेंगे कि सी जो है वो क्या है, एक वचन है। हमने देखा कि इज एम आर लगता है क्योंकि ये इंट्रोगेटिव में है, तो सी इज नहीं रहेगा क्योंकि इंट्रोगेटिव में डू पहले लगा है, तो इसलिए यहाँ पर हम इज सी, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, इज सी, और यहाँ पे सिंपल लव का तीसरा फॉर्म क्या होता है, लव्ड, ठीक है, लव्ड बाई यू, यू कुछ भी चेंज नहीं होता है, तो सिंपल हो जाएगा यू, यानी इज सी लव्ड बाई यू। क्लियर, अब चलिए फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसका पहचान होता है रहा है, रही है, रहे हैं, और इसको हम टेंस में लगाते हैं इज एम आर। अब इसमें भी नो चेंज होता है, जो हम अगर पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, सिंपल अगर हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो इज एम आर के साथ हम सिंपल बिंग जोड़ देते हैं, कुछ भी चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूअस हो, ठीक है, या फ्यूचर कंटिन्यूअस है, उसमें हम कुछ भी चेंज नहीं करते हैं, जो भी रहता है उसके साथ हम बिंग जोड़ देते हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ सेंटेंस ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कुछ सेंटेंस, जैसे कि अगर हम बोले कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर सेंटेंस लेते हैं कि वह पढ़ रही है, ठीक है, यानी सी इज रीडिंग रीडिंग बुक्स। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप देख सकते हो सी इज रीडिंग बुक, तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, बुक्स लेंगे, तो जब हम बुक्स लेते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, बुक्स, हम देखेंगे कि बुक्स एक वचन है या बहुवचन है, क्योंकि यहाँ पे बहुवचन है तो हमारा होगा बुक्स आर,
क्योंकि हमने देखा कि आर के साथ मतलब इज एम आर, इसमें हम देखते हैं कि एक वचन है बहुवचन, उसके बाद बिंग, ये ध्यान देने वाली बात है, कंटिन्यूअस में हमेशा बिंग लगता है, बिंग, ठीक है, उसके बाद रिड लग जाएगा, ठीक है, रिड बाई हर, क्योंकि सी इधर आएगा तो इधर आएगा तो हर हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा बुक्स आर बिंग रीडिंग रीड बाई हर। ये क्लियर हो गया। आप देखिए प्रेजेंट परफेक्ट, बस तीन ही आप जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है इसको हम नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये अगर हम बोले तो एग्जाम में पूछा ही नहीं जाता है, तो इसको याद करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। सो यहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट क्या आपको पता है, हैज हैव लगता है, ठीक हैज हैव लगता है, तो इसमें हम सिंपल कुछ नहीं होता हैज बीन और हैव बीन का यूज, यानी अगर एक वचन है तो हैज बीन, बहुवचन है तो हैव बीन। चलिए इसके भी कुछ हम उदाहरण देख लेते हैं ताकि आपको इसके थ्रू बहुत ही आसानी से आज समझ में आ जाए। फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं एक सेंटेंस एक्टिव वॉइस का, जैसे कि ही हैज ठीक है, ही हैज ईटन, ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट है इसमें थॉट फॉर्म लगता है, ठीक है, टेंस में भी थॉट फॉर्म लगता है और ये तो बहुत ईजी है, इसमें भी थॉट फॉर्म लगता है, तो इसमें उतना दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इसको आप बहुत ही हैज ईटन एन एप्पल, एन एप्पल क्यों लगा है, क्योंकि एक वॉवल्स है। सो यहाँ पे इस टॉपिक को हमने पहले भी डिस्कस किया। अब चलिए इसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, ही हैज ईटन, ठीक है, ईटन एन एप्पल। सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, एन एप्पल, तो हम लिखेंगे एन एप्पल, ठीक है, एन एप्पल। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे एक एप्पल है या बहुत सारे एप्पल हैं, तो आप देख सकते हो एक एप्पल की बात की जा रही है यानी एन एप्पल, तो यहाँ पे होगा हैज बीन, क्योंकि हमारा नियम क्या है, हैज बीन, तो हम लिखेंगे हैज बीन और जो कुछ भी नहीं करना, बस हैज बीन, क्योंकि जगह नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हैज बीन ईटन बाई हिम, क्योंकि ही इधर आएगा तो हिम हो जाएगा। सो ये कुछ बस नियम है जिसको आप अगर फॉलो करते हैं तो बहुत ही इजीली तरीके से याद हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम लोग छोड़ देते हैं, बस आप याद रख लीजिएगा हैज हैव बीन के साथ बिंग जुड़ जाता है, क्योंकि कंटिन्यूअस में हमने देखा हमेशा बिंग जुड़ता है और प्रेजेंट परफेक्ट में जो है हैज हैव बीन जुड़ता है, तो इन दोनों का रूप हो जाता हैज हैव बीन, ठीक है। और देखिए पास्ट इंडेफिनिट स्टार्ट हो गया, पास्ट इंडेफिनिट की अगर हम बात करें तो ये भी बहुत ही सिंपल है, जिस तरीके से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट देखा सेम इसमें भी, उसमें हम अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस होता था तो उसमें हम इज एम आर लगाते हैं, इसमें क्या होता है कि इसमें अगर पास्ट इंडेफिनिट का टेंस होता है और इसकी जो पहचान होती है डिड, तो इसमें हम क्या लगाते हैं, वाज वेयर लगाते हैं। उसी प्रकार फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि और इसका वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है टेंस में, और इसमें पैसिव वॉइस में तो आप याद रख लीजिएगा हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगता है। सो इस तरीके से फॉर एग्जांपल अगर मैं आप सभी को कहूँ सी डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, ठीक है, ये आपका एक एग्जांपल है कि यहाँ पे हम लिखते हैं कि सी डिड नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव टेंस है, डिड नॉट, ठीक है, सिंग, क्योंकि दूसरा फॉर्म लगता है सिंग अ सॉन्ग। और फ्रेंड्स इसको बनाना है तो सबसे पहले हमारा क्या है, अ सॉन्ग हम लेंगे, ठीक है, अ सॉन्ग। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि एक सॉन्ग है या बहुत सारे सॉन्ग है, तो आप देख सकते हो एक सॉन्ग की बात की जा रही है तो क्या हो जाएगा, वॉज, ठीक है, वॉज। उसके बाद हमें पता है कि तीसरा फॉर्म लगता है तो क्या हो जाता है, संग हो जाता है, ठीक है, क्योंकि गाना गाना, तो इसका आपको अगर रूप याद होगा तो बहुत ही आसानी, तो इसको हो जाएगा संग, ठीक है, बाई हर, क्योंकि उसकी लड़की है तो यहाँ पे हो जाएगा हर, तो इस तरीके से असंग असंग वाज संग बाई हर, क्लियर, यहाँ पे नॉट, सॉरी यहाँ पे नॉट हो जाएगा, क्लियर। और भी बहुत सारे सेंटेंस है जिसका आप प्रैक्टिस कर सकते हो। फिलहाल अगर हम बात करें पास्ट कंटिन्यूअस की, तो इसमें भी कोई भी नो चेंज होता है, इसमें वॉज वेयर और बिंग लग जाता है, क्लियर, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है लेकिन आप इसमें ऐड कर लीजिएगा, वॉज वेयर और बिंग लग जाता है, कोई भी कंटिन्यूअस का टेंस हो उसमें बिंग तो रहेगा ही रहेगा। सो एग्जांपल एक ले लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस का, जैसे कि ही वॉज राइटिंग अ लेटर, ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं, ही वॉज राइटिंग अ लेटर, ही वॉज राइटिंग और लेटर,
तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले तो हम और लेटर लेंगे, ठीक है। और लेटर यहाँ पर देखेंगे कि एक वचन है, बहुवचन है। तो फ्रेंड्स अगर हम देखते हैं तो ये क्या है, एक वचन है, तो क्या होगा, वॉज बिंग, जिस तरीके से हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में किया उसमें भी यही होगा। और लेटर वॉज बिंग रिटेन, क्योंकि थर्ड फॉर्म लगता है, रिटेन बाई ही का क्या हो जाता है, हिम। तो इस तरीके से और लेटर वॉज बिंग, देखिए फ्रेंड्स आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है, और 100% कह रही हूँ, अगर पैसिव वॉइस से किसी भी सेंटेंस से किसी भी टेंस से अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप उसको बहुत ही आसानी के साथ क्लियर कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे पास्ट परफेक्ट की। आप सभी को पता है हैड लगता है, जिस तरीके से उसमें हैज और हैव लगता था, और पैसिव में हैज बीन हैव बीन, उसमें इसमें भी यही होता है, जैसे कर चुका था, कर चुकी थी, खा चुकी थी, यानी लास्ट में थी था, इसमें क्या लगता है हैड। पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, हैड बीन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें यहाँ पे पास्ट परफेक्ट की, तो इसी को हम ले लेते हैं, जो हमारा सेंटेंस है एक ही को ले लेते हैं, सी हैड, ठीक है, सी हैड रिटेन, क्योंकि इसका तीसरा फॉर्म लगता है, जिस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट उसी प्रेजेंट परफेक्ट, इसी प्रकार से इसमें भी सी हैड रिटेन अ लेटर। तो ये तो वेरी सिंपल है, इसको आप बहुत ईजिली तरीके से कर सकते हो, खुद आप बनाइए अ लेटर, ठीक है। इसमें हम लोग एक ये भी नहीं देखेंगे कि एक वचन है बहुवचन, इसमें हैड लगाना है तो लगाना है, तो क्या हो जाएगा अ लेटर, ठीक है, वैसे ही लिख दे रहा हूँ, अ लेटर हैड बीन रिटेन बाई हर। तो इस तरीके से आप सभी को नियम फॉलो करने हैं, जिसके थ्रू आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अब बात करते हैं फ्यूचर की, फ्यूचर में भी सेम यही प्रोसेस होगा, ठीक है। अगर हम फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें, जिसमें इसका पहचान होता है गा है, गी है, गे हैं, तो सबसे पहले देखिए, जैसे यहाँ पे क्या होता है कि अगर विल, देखिए विल और सैल होता है, लेकिन हम कहेंगे कि आप नियम को फॉलो करें या फिर आप सिंपल विल को रख लीजिए, क्योंकि फ्यूचर से उतना पूछता भी नहीं है, लेकिन बस याद कर लीजिएगा अगर विल हो या सैल हो, चलिए सैल भी लिख दे रही हूँ, विल हो और सैल हो, आई और वी के साथ सैल लगता है, लेकिन अगर आम बोलचाल की भाषा में अगर हम बात करें तो अब कोई भी सैल का यूज नहीं कर रहा है। सो यहाँ पे आप याद रख लीजिएगा फ्यूचर इंडेफिनिट में जो लगता है विल और सैल लगता है, ठीक है। और अगर आप पैसिव वॉइस में करते हो तो विल बी और सैल भी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप सभी को एक सेंटेंस दूँ यहाँ पे कि द हंटर विल किल द लायन, या फिर चलिए इससे हम छोटा लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं यू, ठीक है, क्योंकि सिंपल सेंटेंस रहेगा तो समझने में आसानी रहेगी, बहुत ज़्यादा टफ, यू कॉल यू विल, एक मिनट, यू, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर में तो हम लिख लेते हैं विल, यू विल कॉल मी। अब देखना फ्रेंड्स आप बहुत इजीली तरीके से बनाएंगे। अब देखिए हमने क्या जाना, प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट में है कोई सेंटेंस, तो इसको अगर हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो सिंपल हम विल बी और सैल बी का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो हम देखेंगे मी, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आई, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स आई हो गया तो नियम अगर हम ग्रामली मतलब व्याकरण के तरीके से बताएं ग्रामटिकली, तो यहाँ पर अगर यहाँ पे आई है तो यहाँ पे होगा सैल बी, ठीक है, सैल बी, और यहाँ पे काल का जो हो जाता है काल काल काल्ड, ठीक है, तो यहाँ पे होगा काल्ड, क्योंकि तीसरा फॉर्म लगता है काल्ड बाई यू, यू तो चेंज ही नहीं होता है, तो इस तरीके से आई शैल बी कॉल्ड बाई यू। और भी बहुत सारे सेंटेंस है जिसका आप बहुत सारे अगर प्रैक्टिस करते हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर हम बात करें फ्यूचर कंटिन्यूअस की, तो इसमें भी बिंग लग जाता है, नो चेंजेस, ठीक है, विल बी इसका होता है, और इसमें हम क्या, जिस प्रकार से हमने विल बी, इसमें हम क्या जोड़ देते हैं, बिंग, बस एक जोड़ देते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। फ्यूचर परफेक्ट की अगर हम बात करें तो इसमें होता है विल हैव, तो इसमें हम क्या कर देते हैं, विल हैव बीन, जैसे हैड बीन, हैज हैव बीन, इसमें भी हो जाता है विल हैव बीन। तो आई होप कि आपको जो भी नियम है इसके थ्रू आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो, ठीक है। देख सकते हो कि हमने स्ट्रक्चर भी आप सभी को प्रोवाइड किया है, किस तरीके से आप पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हो। तो मैं जब PDF आप सभी को सेंड करूँगी तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स कुछ आप सभी को सेंटेंस देते हैं जिसका आंसर आप सभी को करना है,
ठीक है, सबसे पहला जो है, और देखना फ्रेंड्स आप बहुत ही आसानी के साथ किसी भी सेंटेंस को कर सकते हो। पहला जो है राधा, ठीक है, राधा रोट अ लेटर, ठीक है, इसको समझ लीजिएगा लेटर। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको नियम जानना होगा। नियम में इसको मैं बता दे रही हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे राधा रोट अ लेटर, यहाँ पर आप देख सकते हो सेकंड फॉर्म है, और कोई, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस तो दिख रहा है, क्योंकि आप इसको प्रेजेंट तो कह नहीं सकते हो, फ्यूचर भी नहीं कह सकते, क्योंकि जो सेकंड फॉर्म लगता है वो पास्ट में ही लगता है। तो हम यहाँ पे सिंपल कह सकते हैं ये पास्ट क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है। तो हमने देखा था कि पास्ट इंडेफिनिट में डिड लगता है और पैसिव में वाज वर लग जाता है। तो यहाँ अगर आप इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, अ लेटर। अब यहाँ पे देखेंगे कि एक लेटर की बात की जा रही है या बहुत सारे लेटर की बात की जा रही है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे एक लेटर की बात की जा रही है, तो हम क्या लिखेंगे, अ लेटर वॉज रिटन बाई राधा, ठीक है, और लेटर वॉज रिटन बाई राधा। तो आप देख सकते हैं इस सेंटेंस को इसी तरीके से बनाना है। तो मैंने आप सभी को एग्जाम्पल बनाया, अब आप सभी को आंसर करना है, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में करना है, ठीक है। चलिए कुछ सेंटेंस लेते हैं, जो कि आपका पहला रहेगा, ही हैड। अब देखिए ये भी किस टेंस का है, इसका आंसर आप खुद ही जान सकते हो, वो बता भी सकते हो। ही हैड बॉट अ पेन, वेरी सिंपल, ठीक। दूसरा जो आप सभी के लिए सेंटेंस है, दूसरा चलिए ले लेते हैं, जैसे कि यू विल, यू विल हैव, जब भी हैव विल हैव आ जाए तो क्या हो जाएगा, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, इस तरीके से। फॉर अभी मैं अभी टेंस बता रही, विल हैव हेल्प्ड, और ये हेल्प्ड हो गया, यानी क्या है, परफेक्ट है। अब किस टेंस का है आप बता सकते हो, हेल्प्ड मी, यानी आपका दूसरा सेंटेंस है यू विल हैव हेल्प्ड मी, ठीक है। और भी सेंटेंस चलिए दे देते हैं, ये आपके दो हो गए, पास्ट एंड फ्यूचर, चलिए मैं खुद ही बता दी। अब चलिए कुछ ले लेते हैं प्रेजेंट के, ठीक है, जैसे कि द बॉयज फ्लाई किड्स, सॉरी काइट्स, एक मिनट यहाँ लिख दे रहे हैं, इसी तरीके से आप सुन लीजिएगा, द बॉयज फ्लाई काइट्स। तो इस तरीके से ये तीन सेंटेंस, ही हैड बॉट अ पेन, यू विल हैव हेल्प्ड मी, द बॉयज फ्लाई काइट्स। तो मुझे पता है आप सभी को आंसर करने में उतना दिक्कत नहीं हुआ होगा। और देखिए फ्रेंड्स, ये टेंस से रिलेटेड जितने भी हमने टेंस कल पढ़े थे, आज हमने एक्टिव और पैसिव वॉइस, बहुत ज़्यादा टफ नहीं, अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट कर लेते हो, सभी जितने भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस में मैंने आप सभी को बताया कि हमेशा बिंग लगता है, बॉब का थॉट फॉर्म हो, कोई भी टेंस हो, ठीक है। तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट के तीनों रूप कर लेते हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो करना ही नहीं है, सो सिंपल याद हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, हम कल इंट्रोगेटिव मॉडल्स किस तरीके से, उस ऐसे सेंटेंस का हम किस तरीके से बनाते हैं, क्योंकि उनको भी जानना बेहद ही ज़रूरी है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, इन तीनों का आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हो। फिलहाल आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।